से कल क्या है? मम्मा का बर्थडे। और मम्मा के बर्थडे का केक कब कटेगा? आज रात को। तो हाँ, कल है मेरी मम्मी का बर्थडे, तो मम्मी को इतना तो पता ही है कि रात को हम केक वगैरह कट करेंगे, प्री बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन मम्मी को ये नहीं पता कि मैं मम्मी के लिए बहुत ही जबरदस्त वाला डेकोरेशन करने वाली हूँ। मस्त, ये चेयर के ऊपर ऐसे सेठ जी के जैसे बैठे रहना दिन भर, और ऐसे बालकनी में से लोगों को आते जाते देखते रहना। अभी है ना, कल लेना मेरे मम्मा का बर्थडे। तो मैं है ना, ये ना कैमरा ना इतने नजदीक मत ला मेरे, मैं तुम्हें तो उतर के फुट डालूंगा कैमरा। तो मैं ना बस इधर आराम से मैं बैठे रहना, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन नहीं, मैं मम्मी के लिए ना बहुत ही जबरदस्त वाला डेकोरेशन करने वाली हूँ, आप सब बस देखते रहना। तो अभी मॉल जाएंगे, फिर मैं डेकोरेशन वाले भैया को है ना अभी फोन कर दूंगी कि जैसे हम निकलेंगे ना वैसे मैं आपको है ना मिस कॉल दे दूंगी, आप घर पे आ जाना एकदम अच्छा सा डेकोरेशन करना, ठीक है? मम्मी को अभी नहीं बताएंगे। ठीक है पापा, क्या कर दो? पापा इधर आओ, मैं आपको एक बात बताती हूँ। हाँ। अभी मम्मी को इतना लगेगा ना कि हम इधर उधर शॉपिंग करने जा रहे हैं तो डेकोरेशन वगैरह नहीं करेंगे। हाँ। तो मैं ना मम्मी के लिए बहुत जबरदस्त वाला डेकोरेशन करने वाली हूँ। आज अपन दिन भर बाहर ही रहने वाले हैं। हाँ, तो मैं फोन करके डेकोरेशन वाले भैया को घर पे बुलाऊंगी ना। हम बाहर रहेंगे लेकिन वो तो घर पे आके पूरा डेकोरेशन करेंगे ना। ठीक है, क्या करने का? हाँ, मैं एकदम जबरदस्त करने वाली हूँ, ठीक है? मेरे को लगा मैं पापा को भी सरप्राइज दे तो दूंगी, लेकिन पापा भी आ गए सुनने के लिए। हेलो। हाँ भैया, हाँ, आज मम्मी का बर्थडे है ना, तो डेकोरेशन करना था घर पर। अभी अभी नहीं आना आप, ठीक है? अभी हम मॉल में जा रहे हैं ना, मम्मी को सरप्राइज देना है। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं ना जैसे ही मॉल के लिए निकलूंगी ना वैसे आपको मिस कॉल दे दूंगी, तो तब आप निकलना और एकदम जबरदस्त वाला डेकोरेशन करना है, ठीक है? चलो। यस, मैंने डेकोरेशन वाले भैया को बोल दिया है कि आप आ जाना। तो अभी ना मम्मी को एकदम बेस्ट सरप्राइज मिलने वाला है जैसे ही हम मॉल से घर पर आएंगे ना। देखते हैं मम्मी की रिएक्शन, ठीक है? आप वीडियो एंड तक देखना, लाइक कर देना और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर देना। चलो अभी हम लोग नीचे चलते हैं। तो अभी है ना मम्मी जा रही है पापा के लिए कुर्ता पजामा लाने के लिए, क्योंकि कल हमारे घर में ना बहुत बड़ी पूजा है। तो मम्मी को मैं बोल रही थी कि मैं भी चलती हूँ, लेकिन मम्मी ने बोला कि मैं ही जाके लेके आ जाती हूँ। तो मम्मी को हमें कोई भी बहाना करके 2 घंटे मार्केट में ही रखना है ताकि घर पे सरप्राइज बर्थडे डेकोरेशन हो सके। बोल रही थी अभी है ना घर पे पूरा डेकोरेशन हो गया है, मम्मी को है ना हम एकदम अच्छा सा सरप्राइज देने वाला है, तो आप है ना अभी जल्दी से केक ऑर्डर कर दो ना। हाँ। और हाँ, मम्मी का फेवरेट चॉकलेट केक ऑर्डर करना। और हाँ, तू समझा ना मम्मी को सरप्राइज के बारे में कुछ भी नहीं बताना, ठीक है? तेरा मुंह बंद रखना, बिल्कुल बंद, नहीं तो ये मम्मी को सब बता देगा, ठीक है ना? हाँ। तो मम्मी की भी है ना सारी शॉपिंग हो गई है, अभी हम लोग फाइनली घर पर जाने वाले हैं। और हाँ, केक भी घर पर आ चुका है, तो अभी सब लोग शांत रहेंगे और घर पे जाके देखेंगे मम्मी के कैसे रिएक्शन आता है। ये देखो, ये मम्मी ने कितनी सारी चीजें ली है, लाओ तो मेरे पास दो। अरे कहाँ जा रहे हो आप, रुको आप इधर ही। तो अभी हम ना घर पर पहुंच चुके हैं और अभी है ना मम्मी को सरप्राइज मिलने वाला है। पापा आप पहले जाओ, मैं लेके आती हूँ मम्मी को। ये लो। Years later. Happy birthday!
थोड़ा सा रेडी वगैरह हो जाने दो, इसलिए ना मम्मी को मैंने साड़ी पहनाई है और उसके बाद में अभी मैं ही मम्मी का मेकअप करूंगी, एकदम अच्छा सा मेकअप करके दूंगी, फिर हम लोग केक कटिंग करेंगे। मम्मी वैसे बताओ आपको डेकोरेशन कैसे लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। मम्मी को है ना कुछ भी आइडिया नहीं था कि मैं ये डेकोरेशन कर रही हूँ, सुबह से डेकोरेशन का चल रहा था मेरा, इसीलिए हम सबने से बात। करने वाले हैं। और तू क्या कर रहे हैं चिक्को? ओम सूर्य नारायण नमः, ओम शनिचराय नमः, ओम हनुमंताय नमः। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो अभी मैं ना नीचे आ गई हूँ आप सबको दिखाने के लिए कि क्या क्या तैयारियाँ हुई है। यार वो जो रंग वाला पानी होता है ना जो हम हर त्योहार में डालते हैं, वो भी पानी डाला हुआ है, वो है ना मुझे डालना था लेकिन उसके लिए ना मैं उठी नहीं सुबह। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं ही वो रंग वाला पानी डालूंगी। तो पूजा जो है ना वो हमेशा की तरह हमारे है ना नीचे वाले रूम में होने वाली है। घर में ना जितनी भी पूजा होती है ना वो यही रूम में होती है। तो देखो यहाँ पे ना सामान भी ला लिया, ये फ्रूट्स है, घी है, फिर चंदन है, सब कुछ ला लिया है।
तो दादाजी है ना अभी तक नहीं आए, और हम है ना हमेशा दादाजी के डर से है ना सुबह बहुत जल्दी उठते हैं, मैं, कृष्णा, पापा, क्योंकि क्या है फिर दादाजी है ना बहुत चिल्लाते हैं हमको कि तुम उठते नहीं हो जल्दी, ये वो। तो पापा ऊपर अभी भी सो रहे, पापा और कृष्णा चलो दोनों को उठाते हैं। लग रही है सच में बहुत मस्त। मम्मी मम्मी हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, ऐसे ही खुश रहो। पापा को उठा। वही उठाने ही आई हूँ मैं, अभी तक सो रहे हैं, देखो दोनों कैसे सो रहे हैं, देखो इसको। पापा उठो ना जल्दी जल्दी उठो, उसको भी उठाओ, वो भी अभी तक सो रहा है। जल्दी से पापा आएंगे ना चिल्लाएंगे। हाँ बाबा आने के बाद चिल्लाएंगे। जल्दी जल्दी उठो पापा, हैप्पी बर्थडे तो विश करो उसके। नहीं नहीं करती, हैप्पी बर्थडे। मैं तो सो गई थी। पापा उठो जल्दी। आ तो अभी मैं ना जल्दी से नहा लूंगी, और आज मैं पूजा में क्या पहनने वाली हूँ वो भी आप सबको दिखाती हूँ। ये देखो, ये रहा मेरा आज का ड्रेस जो मैंने उज्जैन में नहीं पहना था, आज मैं यही ड्रेस पहनने वाली हूँ। भाई साहब उठो, भाई साहब। हाओ के हाओ। मम्मी ओ बोलती है ना, इसलिए ये भी ओ बोल रहा है। तो मैं आ गई हूँ नहा के, और मुझे लग गया अभी बहुत सारे काम। नीचे है ना मुझे सारा पूजा का सामान पहुँचा के देना है, जैसे कि पंचपात, फिर बाद में जो बर्तन होते हैं ना पूजा के वो भी नीचे लेके जाके देने हैं। तो चलो जल्दी जल्दी काम करते। ये देखो नहीं कितना मस्त चमक रहा है, इसको धोया है तो। भागो जल्दी से नीचे, नीचे जाके है ना वो पूजा के जो हार होते हैं ना वो भी बनाने। वैसे तो दादी बनाई रही है लेकिन बहुत सारे बनाने हैं डोर्स वगैरह पे भी लगाने के लिए। ये देखो ये दादी हार बना रही है यहाँ पे। तो ये रहा मेरा मेकअप का पिटारा। मैं ना अभी जल्दी से मेकअप कर लेती हूँ, और क्या है ना मैंने ड्रेस भी चेंज कर लिया। वो जो मैंने पहले ड्रेस पहना हुआ था ना उसमें इतनी भयानक वाली गर्मी हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा ये हल्का फुल्का ही ड्रेस पहन लो। अच्छा लग रहा है ना, बाय द वे ये भी बताओ तो। तो अभी है ना मैं जल्दी से है ना पहले स्किन केयर कर लेती हूँ, और क्या है ना दादाजी कभी भी आवाज़ दे सकते हैं, इसलिए ना रेडी होके बैठना पड़ेगा। जैसे ही दादाजी ने आवाज़ दिया ना नीचे जाके फिर पूजा स्टार्ट होगी। चिकू नहीं, वो बहुत महंगा है, कहाँ जा रहा दीदी? गिरता था ना दीदी, दीदी को वो पिछले बार है ना मैंने दीदी का कॉम्पैक्ट पाउडर पूरा गिरा डाला था, वो 3,500 रुपए का। यार मेरे साथ है ना हमेशा ऐसे ही होता है, देखो मैं जब भी लाइनर लगाती हूँ ना तो थोड़ा सा ना ऊपर चला ही जाता है। देखो मेरी है ना डायरेक्ट बात है ना भगवान से हो गया वाली है, भगवान भी आज है ना हमारे घर पे आने वाले हैं, घर पे हमसे सबसे मिलने के लिए। आपको ऐसे नहीं लग रहा क्या कि आप अभी मुझसे शादी करके यहाँ पे लेके आए नई दुल्हन? मुझे लगा आप तो मेरी बहुत तारीफ करोगे, इतनी अच्छी साड़ी पहनी की ना। तारीफ क्या तारीफ की, तू बहुत भारी दिख रही। ठीक है, भारी मतलब सचमुच भारी दिख रही। अच्छा सचमुच वजनदार दिख रही। पापा नहीं मम्मी मस्त लग रही है, आप सब भी कमेंट में बताओ अच्छी लग रही है ना मम्मी। ओ भाई साहब उठो, भाई साहब। ओ तो सुन भी नहीं रहा, इतनी अच्छी बातें चल रही है आप तो। देखो आगे पंडित जी, पंडित जी। हाँ Thank you.
अच्छा ऐसे ही चलना होता है। चलो ये आज का इधर क्या मम्मी पापा की शादी है क्या? शादी इधर तो शादी का खाना किधर है फिर? तो आज पापा ने मम्मी के लिए सत्यनारायण की पूजा अरेंज की है एंड आज वट सावित्री पूर्णिमा भी है। तो सत्यनारायण की पूजा करने के बाद में मुझे मम्मी को वट पूर्णिमा की पूजा कराने भी ले जाना है। सर्व मंगल मंगल शिवे सर्वार्थ साधिये। तो अभी है ना सत्यनारायण की जो पूजा होती है ना वो पूरी पूजा हो चुकी है। अभी हम लोग है ना हवन स्टार्ट करने वाले। चलो आप सब भी आरती को आप सब भी दर्शन लो भगवान जी के। ओम शिवे नमः स्वाहा। ओम शिवे नमः स्वाहा। ओम प्रतिभय नमः स्वाहा। ओम प्रतिभय नमः स्वाहा। तो देखो मैं ना ऊपर आ गई हूँ और नानी है ना मम्मी की फेवरेट पूरी और आलू की सब्जी बना रही है। रुको मैं आपको दिखाती हूँ। मम्मी को है ना पूरी और आलू बहुत पसंद है और खीर भी बना रही है नानी। आ जाना मेरे मम्मी पापा की शादी है मेरे मम्मी पापा की और है ना मैं मेरे मम्मी पापा की शादी में मैं भी आने वाला है। देखो नानी यहाँ पे मस्त गर्मा गर्म पूरियां बना रही है। मम्मी पापा के शादी का ना सब जन खाना खा के ही जाने का। तो देखो सबसे पहले ना मैं हमारे भगवान जी को खाना देने वाली हूँ। इसमें मैंने ना सारी चीजें ली है जितनी भी बनी है ना। ये देखो अभी मैं ना गर्मा गर्म पूरी है ये प्लेट में रख देती हूँ। ये देखो ये मैं भगवान जी को देने वाली हूँ खीर। वो टेस्ट करेंगे ना। देखो खीर में मैंने ना ये छोटा सा चमचा भी रख दिया है। चलो अभी ये ना सर्व करते हैं और भगवान जी को देते हैं। नीचे ना साइड से हवन आरती सब कुछ हो गया है तो ये क्या है ना फिर मैं वहाँ पे भगवान के पास रख सकती हूँ ना खाने के लिए। मैंने ना भगवान जी को खाना दे दिया। उनको बोला है कि है ना भगवान जी प्लीज खा के बताना खाना कैसा बना है। और देखो तुलसी माँ को भी है ना मैंने खाना दे दिया है। ये देखो तुलसी माँ आप भी खा के बताना खाना कैसे बना है। तो आज ना वट पूर्णिमा भी है। अभी मम्मी बताएगी वट पूर्णिमा का मतलब क्या होता है। बाय द वे जो महाराष्ट्र से होंगे आप सबको तो पता ही होगा। बताओ मम्मी। वट पूर्णिमा का मतलब होता है कि जन्म जन्म में हमें यही पति मिले और उनकी बहुत सारी लंबी उम्र हो और उनके लिए ना फास्ट भी करती है मम्मी। हाँ। तो आज मम्मी का फास्ट भी है। तो अभी हमें कहाँ जाना है? वट की पूजा करने के लिए जाना। सात फेरे लेने हैं वट के इससे है ना। तो अभी हम लोग वहाँ पर चलते हैं जहाँ पे वट की पूजा होती है ना वहाँ पे जाके हम मैं ना आप सबको दिखाती हूँ कि कैसे हमारा महाराष्ट्र का ट्रेडिशन कैसे होता है। ठीक है चलो। देखो ये कलश का जल मैंने ले लिया है। अभी हम लोग चलते हैं। मम्मी गाड़ी में ही बैठी है क्योंकि यार अभी फास्ट है ना तो थोड़ा सा उनको चक्कर आ रहा है इसलिए मैंने बोला आप गाड़ी में ही बैठ जाओ। देखो यहाँ पे ये कितना बड़ा बड़े का पेड़ है। तो यहाँ पे अभी मम्मी है ना इसकी पूजा करने वाली है तो मैं आप सबको डिटेल में दिखाती हूँ कैसे कैसे होता है। देखो ऐसे होती है इसकी पूजा। देखो सबसे पहले ना मम्मी यहाँ पे हल्दी कुमकुम लगा रही है फिर उसके बाद में ये जो है ना हार वो चढ़ा देगी इसको। देखो अभी मम्मी है ना ये आम और गेहूँ चढ़ा रही है। मम्मी अभी है ना सात फेरे लेगी। देखो मम्मी ने चप्पल भी नहीं पहनी हुई। अगर आपको ये ट्रेडिशन पता नहीं था और अब पता चला है तो मुझे जल्दी से कमेंट्स में बताना ठीक है। Thank you.
बोलते हैं। देखो नानी ने स्पेशल आपके लिए ना पूरी आलू की सब्जी खीर ये सब बनाया हुआ है आपका फेवरेट। अभी पापा के पैर छूने और उनका आशीर्वाद लेना। चलो ठीक है चलो। आ गए, मेरा तो खाना हो गया। आशीर्वाद दे दो। तुम्हें फिर। शाबाश। मैं तो जोड़ के रखो यहाँ पे ऐसे। क्या कर रहे हैं पापा? आशीर्वाद दो पापा मम्मी को ऐसे उठा के उठा के। टूट जाएंगे। तेरे को बड़ा आशीर्वाद देंगे। हाँ लाओ दो। इतनी बड़ी हो रही है। हाँ उसको भी चाहिए। सुन लिया। पहले पढ़ पहले। अरे शाबाश बस उठ जा। देखो बड़ा आशीर्वाद देंगे। मैं को भी चाहिए। तो मेरी मम्मी ने ना निर्जला उपवास रखा है जिसमें ना पानी वगैरह कुछ भी नहीं पीते है। तो मम्मी ने बोला था कि जैसे ही उनकी पूजा वगैरह हो जाएगी, जैसे ही मम्मी है ना पापा का आशीर्वाद ले लेगी ना, उसके बाद में मम्मी खाना खाएगी। तो चलो यार बहुत भूख लगी है। चलो करो खाना स्टार्ट। मेरे लिए रुके कैसा बना? तो कुछ ऐसा था मम्मी का ट्रेडिशनल बर्थडे सेलिब्रेशन। और मम्मी इतनी लकी है कि मम्मी का बर्थडे वट पूर्णिमा के दिन आया है। तो चलो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कल चलते हैं सुपरमार्केट शॉपिंग। तो एक्साइटेड हो? जल्दी से वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो।